सहारनपुर में महिला उत्थान समिति की महिलाओं ने जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों, नेताओं और पत्रकारों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। सहारनपुर की महिला उत्थान मंडल से आई बहनों ने आज जिलाधिकारी समेत जिले के आला अधिकारियों को रक्षा के धागे में बांधकर इस पर्व की महत्ता को दर्शाया व बताया। रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय में आज जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी सीपी सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त विनोद कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट पंकज कुमार वर्मा समेत विधायक देवेंद्र निम, पूर्व विधायक राजीव गुंबर समेत अन्य जन प्रतिनिधियों को भी आज महिलाओं के द्वारा राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया है। दिल्ली रोड स्थित एजीएम कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले बजाज इंश्योरेंस के सौजन्य से कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कला प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा को पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसके बाद बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत व संगीत पर आधारित प्रस्तुतियाँ दी गयी। बच्चों की देशभक्ति प्रस्तुतियाँ देखकर सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती कविता सिंह, उप प्रधानाचार्य श्रीमती पूजा धरेजा व स्टाफ मौजूद रहा। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे का छोटा सा प्रोग्राम किया गया जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक छोटा सा कंपटीशन किया हमने बजाज इंश्योरेंस वालों की तरफ से, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी आर्ट्स बनाई, रंगोली बनाई, राखी बनाई, जो और भी अच्छा उत्साह पैदा करने वाली चीज़ थी। बाकी आप सबके सपोर्ट के साथ हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं पुनीत मलिक, सेंटर मैनेजर केआर मेडिकेयर कलेक्शन सेंटर डायग्नो लैब्स दिल्ली रोड सहारनपुर से की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारत करणवाल सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासी प्रसन्न रहें, खुश रहें। प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं चौधरी विवेक चावला, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य, भाजपा आईटी विभाग एवं आईटी विभाग के द्वारा प्रभारी मुजफ्फरनगर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष युवा, आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाने में एक अलग ही आनंद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, जो कि मोदी जी और अमित शाह जी की देन है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35A की समाप्ति एक आज़ादी के रूप में मनाई जा रही है। आपका रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आई आलोक तनेजा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सहारनपुर, कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल कंट्रीमैन फॉर इंडिपेंडेंस डे एंड द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। जय हिंद। प्रधानाचार्य कुमार कुंडी एवं प्रबंधक श्री दिनेश कुमार कुंडी ग्रीनफील्ड एकेडमी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त, ईद उल जुहा एवं रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं जयप्रकाश सैनी एडवोकेट, वरिष्ठ भाजपा नेता जनपद सहारनपुर, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कस्बा नानोता जिला सहारनपुर की ओर से सभी देशवासियों, नगरवासियों व जिले के सभी व्यापारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव नामदेव, जिला संयोजक उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इकाई ननोता। इलेक्ट्रॉनिक व सैनी फर्नीचर नानोता शीशपाल सैनी व सुशील सैनी की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डिस्ट्रिक्ट
स्कूल ननौता की ओर से आप सभी देशवासियों को, नगरवासियों को 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुज कुमार सैनी, प्रिंसिपल रेजिडेंट पब्लिक स्कूल ननौता। मैं जयप्रकाश सैनी, एडवोकेट, अध्यक्ष जन समस्या जागरूक समिति उत्तर प्रदेश, सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुनंदा राणा स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रीति राणा, मेरी तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मन्नू कराटे क्लब नजफगढ़ नई दिल्ली के मन्नू चौहान की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राव साजिद नगर महामंत्री व्यापार मंडल छुटमलपुर की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी मोहम्मद अख्तर सुहेल फूड कंपनी रामपुर मनिहारन की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकित वर्मा युवा भाजपा नेता की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लायंस फोर्स ब्रिगेड वर्ल्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सौदागर सलीम खान की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी दुपट्टा रायवाला थोक विक्रेता सहारनपुर के ओनर हेमंत मेहरा की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर की ओर से आप सभी को 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रविंद्र मिगलानी चैप्टर चेयरमैन सरदार हरजीत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सपरा, महासचिव मनजीत सिंह अरोड़ा कोषाध्यक्ष। आकाश पंडित संस्थापक अध्यक्ष सर्व युवा शक्ति भारत और अखिल भारतीय सर्वन की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी राजवीर सिंह डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सहारनपुर की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजेंद्र शर्मा दीपक वरिष्ठ समाज सेवी की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी राजवीर सिंह ग्राम प्रधान बटेड़ी कोली की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मंजू शर्मा एडवोकेट पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत छुटमलपुर की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनेश कुमार की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी वरुण चावला संयुक्त महामंत्री पंजाबी एकता समिति सहारनपुर की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज सैनी की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नवीन नगर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज यहां पर विश्व बंधुत्व भाईचारे आपसी स्नेह प्यार का प्रतीक पवित्रता का पुनीत पावन रक्षाबंधन के पर्व के उपलक्ष्य में हम सब भाई बहने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सबको माथे पर चंदन का तिलक दिया, जो इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने जीवन में महकते रहना है, खुशबुओं को वातावरण में पूरे में फैलाना है। फिर राखी बांधी गई, राखी पवित्र पावन धागे का प्रतीक है, राइट हैंड पे बांधी जाती है, जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में हमेशा राइटियस कर्म ही करने हैं। मिठाई मुख मीठा करवाना संबंधों में मिठास मधुरता भरने का एक प्रेरणा एक प्रतीक है। तो इस तरह से हमें इन आध्यात्मिक रहस्यों को जीवन में रखते हुए अगर राखी का ये पावन पवित्र पर्व मनाते हैं
तो बहुत खुशी और एक उमंग उत्साह बना रहता है। हम सभी को इस पावन पवित्र पर्व की मुबारक देते हैं और साथ ही आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। सिटी वैम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें।